हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी विज्ञप्ति जारी की गई है। आप देख सकते हैं, ये आज 11 जून 2024 को ये जारी की गई है। यह आपकी भर्ती संबंधी परीक्षा के बारे में है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे, क्योंकि ये चैनल आपको समय समय पर अपडेट देते रहता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये हमारी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती के बारे में है। इसमें देखते हैं, उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग से आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय पदों के अंतर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुंसरिम रीडर कार्यालय सहायक, तृतीय सहायक समीक्षा अधिकारी, फॉरमैन, परिसंपत्ति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पदों की दिनांक 31/12/2023 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। उक्त विज्ञापित पदों के अंतर्गत क्षेत्रीय युवा एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पदों शारीरिक मापझोंक एवं दक्षता परीक्षा दिनांक 27/2/2024 को आयोजित की गई। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन हेतु औबंधिक श्रेष्ठ सूची आयोग की विज्ञप्ति संख्या 57 दिनांक 16/5/2024 के द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। उक्त पदों की औबंधिक जारी श्रेष्ठ सूची आयोग की वेबसाइट www.SSC.UK.gov.in पर अपलोड है। सूची है कि स्नातक स्तरीय पदों पर दिनांक 16/5/2024 को जारी औबंधिक श्रेष्ठ सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 19 जून 2024 से कार्यालय तैयार कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके अनुसार निर्धारित तिथियों में चयनित अभ्यर्थियों की अंकित सीरियल नंबर के अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में किया जाएगा। यह औबंधिक श्रेष्ठ सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन के पश्चात कुल आर्य अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। अतः औबंधिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा सूचित किया जाता है कि औबंधिक श्रेष्ठ सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियमित नियत तिथि को अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेखों जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप अंकित किए गए शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित दो दो प्रतियाँ, अलग अलग व 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:30 बजे कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ध्यान दें कि शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत विज्ञापित पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक की समस्त वर्षों सहित अंक तालिकाएँ व प्रमाण पत्र, उपाधि एवं आरक्षण एवं स्थायी निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। आरक्षण EWS, OBC, ST, SC, PH का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी के पिता पति का विभिन्न प्रमाण पत्रों के सामने न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल एवं छायाप्रति लाना अनिवार्य है। आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के यानी कि ये आपका 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औबंधित प्रवेश पत्र संलग्न है। कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उनके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण दो दो प्रतियाँ अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। अभिलेख सत्यापन निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति निहितार्थ रूप से अनिवार्य होगी तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित होना हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त समय 7 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन कैमरा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आना निषिद्ध है। ये देखिए इतने लोगों का इसमें दे रखा है, कब का होगा, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक
अधिकारी रीडर अधिकारी कार्यालय, ये देखिए आपका 1 से 60 तक, फिर से 61 से 120 तक, 121 से 180 तक, 181 से 227 तक होंगे। आप देखिए 19 को 20 को 21 को लगातार हैं आपके, इसमें अभी का अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। यह आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।